नमस्कार, मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। जैसा कि आप अभी सभी जानते हैं कि बिहार में शिक्षा विभाग को लेकर के बिहार सरकार भी बहुत ही एक्टिव है। वहीं बिहार सरकार जिस प्रकार से शिक्षा विभाग में एक्टिव है, तो वहीं न कहीं बिहार शिक्षा विभाग कार्यालय में घोटालों का भी दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। मेरे साथ प्राथमिक शिक्षा के संघ अध्यक्ष डीसी सर रजक जी हैं, और डीसी सर से जानते हैं कि जिस प्रकार से शिक्षा विभाग में खास करके जम्मू जिले का जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के बराबर उंगलियां उठते रहती है, इस पर क्या कहें, क्या लगता है कि यहाँ एक घर बन चुका है भ्रष्टाचार का, और वर्तमान में जो शिक्षा जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके कार्यों को लेकर के क्या कहेंगे, ये तमाम सवालों के साथ आपसे जुड़ते हैं। सर, क्या नाम है सर, अपना पूरा परिचय? मेरा नाम धर्मचंदन रजक, मैं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपुर का जिला अध्यक्ष हूँ। और आपके प्रश्न का सर, हम पीएम बिहार में एस के आनंद जी को हम आपको हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे, ये जिस प्रकार से जम्मू के शिक्षा विभाग को बार बार उंगलियां उठते रहती है, भ्रष्टाचार का गढ़, मतलब इस प्रकार से तमाम सवाल जुड़ते रहते हैं, क्या लगता है कि कितना भ्रष्टाचार होती है यहाँ शिक्षा विभाग में? सर, भ्रष्टाचार का जहाँ तक सवाल है सर, कि अभी नवपदस्थापित हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार जी आए हुए हैं, और इनके कार्यशैली से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, और ये चाहते हैं कि हमारा कार्यालय भ्रष्टाचार मुक्त हो, इनका सतत प्रयास है। और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मानस मिलन जी स्थापना योगदान किए, इसके कार्यकाल में करीब करीब शिक्षकों का या अन्य लोगों का शिकायत ही रहा है। हालांकि शिकायत का वास्तविकता क्या है, आरोप पत्र गठित करके जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय पटना भेजे हैं, वो तो जांच का विषय है सर। जांच में आरोप साबित होने के बाद ही किसी के ऊपर आरोप सिद्ध किया जा सकता है। ऐसे तो शोरगुल ऐसे हम जिला में से सुन रहे हैं सर, कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का जो रवैया है वो रवैया से हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, और ऐसा लगता है कि शायद भ्रष्टाचार की ओर वो अग्रसर है। अग्रसर है जिला शिक्षा प्रोग्राम पदाधिकारी यानी स्थापना, स्थापना को लेकर के जिस प्रकार से बराबर सवाल उठते रहते हैं, कभी बेंच डेस्क को लेकर के, कभी अन्य कार्य को लेकर के, क्या लगता है कि ये पूरा भ्रष्टाचारियों से घिरे हैं ये पदाधिकारी? सर, इनके कार्यकाल को देखते हुए माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार को जब हम लोग इनका शिकायत किए, चारों ओर से जब इनको शिकायत प्राप्त हुआ, इसके आलोक में वो स्वयं निर्णय लिए हैं, और उनका जो अधिकार क्षेत्र है स्थापना संबंधित जो उनको कार्य है वो स्वतः अपने पास ले लिए हैं। और जिला शिक्षा पदाधिकारी जब स्वतः अपने पास ले लिए हैं, तो हमको आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार रुकेगी, और जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के कार्यकाल से हम लोग काफी संतुष्ट हैं, और आगे भी उम्मीद करते हैं संतुष्ट। कहीं न कहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार जी का एक मतलब का ये मोटो है, ये मुक्त हो जाए, भ्रष्टाचार मुक्त कार्यालय हो जाए, और आप लोग मतलब खुश हैं इनके कार्यों से। वर्तमान में अभी ट्रांसफर हो गया राजेश राकेश कुमार जिलाधिकारी का, जिलाधिकारी जिस प्रकार से पूरे जम्मू जिला में अन्य क्षेत्रों में घूम घूम के काम कर रहे थे, आज तक जम्मू जिलावासी ऐसा पदाधिकारी नहीं देखा जहां ऐसा पदाधिकारी हो जो गांव-गांव जा करके धूप हो, बरसात हो, ठंडा हो, हर जगह जाते थे, क्या ऐसा पदाधिकारी आप तक देखे थे? उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा सर, उनके कार्यकाल से हम लोग संतुष्ट हैं, और उनका स्थानांतरण हो जाने के पश्चात जो है अभी नवपदस्थापित नए हमारे माननीय अभिलाषा शर्मा आई हुई हैं, और उनसे हम लोग आग्रह निवेदन करेंगे कि हमारे शिक्षा विभाग के कार्य क्षेत्र में वो अच्छा पहल दें, अच्छा योगदान करें, भ्रष्टाचार मुक्त हम लोगों का शिक्षा विभाग के बनाए, ये हम लोगों का शुभकामना उनके साथ। चलिए, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, जिस प्रकार से खास करके जम्मू में शिक्षा कार्यालय में जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों को लेकर ठेकेदारों को लेकर के घिरे हैं, और स्थापना पर बार बार उंगलियां उठती हैं, ये तमाम सवाल का खंडन कर रहे थे डीसी सर, जो संघ के अध्यक्ष हैं। खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।